दोस्तों इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। और हालांकि हमने पिछली वीडियो में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के ऊपर एक वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो में हमने ये बताया है कि जब त्रिभुज में आधार की लंबाई दिया रहता है और जब ऊंचाई दिया रहता है, तब हम लोग उसका क्षेत्रफल किस सूत्र से निकालते हैं? आधार गुणे ऊंचाई बटा दो, इस सूत्र से निकालते हैं। लेकिन इसमें ऊंचाई तो दिया ही नहीं है, केवल तीनों भुजा की लंबाई दिया है। तो हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक अलग से सूत्र लगाते हैं और उस सूत्र को हम लोग बोलते हैं हीरोन का सूत्र। तो हम लोग इस वीडियो में हीरोन के सूत्र के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जब त्रिभुज में तीनों भुजा की लंबाई दिया रहता है, तो हम लोग हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और वीडियो के लास्ट में ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल आप लोग खुद निकाल पाएंगे। अभी हो सकता है आपको ये कठिन लग रहा हो, लेकिन इसका क्षेत्रफल आप लोग खुद निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, तभी जा करके आप निकाल पाएंगे। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले सूत्र को समझना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सूत्र को समझ लेते हैं। तो देखिए सूत्र क्या होता है। तो अगर त्रिभुज आपको ऐसे दिया गया है, तो जब त्रिभुज दिया है उसमें तीनों भुजा की अगर आपको लंबाई दिया गया है, जैसे इस भुजा की लंबाई ए से दिखाएंगे, इसको बी से दिखाएंगे इस भुजा की लंबाई को, और इस भुजा की लंबाई को सी से दिखाएंगे। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये पूरा बड़ा सा रूट रहेगा, यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। अब ये जो सूत्र आपको दिख रहा है, हम लोग इसी सूत्र का प्रयोग करके किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बस हमें उस त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई बस हमें दिया रहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें यस क्या चीज़ है हम उसे भी समझेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ए बी सी क्या है। तो ए बी सी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ए बी सी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ है, और इसमें यस जो है, यस को हम लोग बोलते हैं अर्ध परिमाप, यानी कि अर्ध मतलब आधा होता है, परिमाप मतलब चारों ओर की दूरी, यानी कि चारों ओर की दूरी का आधा ही अर्ध परिमाप होता है। ठीक है, तो यस बराबर होता है, यस को ही हम लोग अर्ध परिमाप कहते हैं। यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी पूरे का बटा दो। ठीक है, तो तीनों भुजा को जोड़ेंगे तो ये चारों ओर की दूरी हो गई, और पूरे का बटा दो कर देंगे, आधा का मतलब बटा दो होता है, तो पूरे का बटा दो करेंगे तो इस तरह से अर्ध परिमाप इतना निकल जाता है। अब इस सूत्र का प्रयोग करके चलिए हम लोग अब जो त्रिभुज हमने देखा था उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो देखिए हमें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें तीनों भुजा की लंबाई दिया गया है। यहाँ इस बिंदु से लेकर यहाँ तक की दूरी पूरा 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पूरा 14 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 12 सेंटीमीटर है, यानी कि इस त्रिभुज में तीनों भुजा की लंबाई दिया गया है। तो हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हीरोन के सूत्र से। ठीक ना, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो क्षेत्रफल का ये जो सूत्र है, इसी को हम लोग हीरोन का सूत्र कहते हैं। ठीक है, अब इस सूत्र को हीरोन का सूत्र क्यों कहते हैं? तो देखिए हीरोन एक व्यक्ति का नाम है, यानी कि हीरोन एक गणितज्ञ थे और उन्होंने इस सूत्र को बताया था, इसीलिए इस सूत्र को हीरोन का सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग करके कैसे हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे? तो देखिए सबसे पहले हम लोग ए बी सी मान लेते हैं, तो हम लोग ए बराबर यहाँ पे 10 मान लेते हैं, ए बराबर हम लोग 10 मान लेते हैं, और बी बराबर हम लोग यहाँ पे 12 मान लेते हैं, और सी बराबर हम लोग 14 ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, मैंने ए बराबर 10 लिया, बी बराबर कितना लिया 12 लिया, सी बराबर 14 लिया। आप ए बी सी किसी को भी मान सकते हैं, आप ए बराबर 12 ले सकते हैं, बी बराबर 10 ले सकते हैं, सी बराबर 14। ठीक है, आपकी मर्जी, ए बराबर 14 लें, बी बराबर 12, सी बराबर ये, मतलब ए बी सी कोई भी आप मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हर तरीके से आंसर सेम आएगा। तो मैंने ए बी सी मान लिया। ठीक है, तो ए बी सी हमने पता कर लिया, अब यस का मान निकाल लेते हैं। तो यस का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी पूरे का बटा दो, यही तो होता है। तो चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं, सभी का मान रख लेते हैं। तो ए का मान क्या है, ए बराबर 10 है, तो हम ए की जगह पे यहाँ पे 10 रख लेते हैं, प्लस बी की जगह पे 12, प्लस सी की जगह पे 14, और ये पूरे का बटा दो हो जाएगा। तो यहाँ से यस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सभी को जोड़ लेते हैं, तो 10 12 कितना हो जाएगा 22, और 22 में 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 और बटा दो। अब यहाँ पे देखिए 36 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 36 में जब हम 2 से भाग देते हैं तो 18 दुना 36 18 बार में कट जाता है। तो इस तरह से यस का मान आ गया, यानी कि अर्ध परिमाप आ गया, ए यहाँ पे आ गया, बी आ गया, सी आ गया। तो अब हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, तो अब हम लोग वही हीरोन का सूत्र लगा देते हैं। तो क्या होता है, यस
यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। तो चलिए इसी में सभी का हम लोग बारी बारी से मान रखते हैं। तो यहाँ पे यस के जहाँ पर भी यस दिखे वहाँ पे 18 रखेंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। फिर कोष्ठक लगा लेते हैं 18 इस यस की जगह, फिर माइनस इस ए की जगह क्या रखेंगे 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा 10। फिर कोष्ठक इस यस की जगह पे रखेंगे कितना 18, माइनस बी की जगह क्या रखना है 12 और इसके जगह हो जाएगा 18 माइनस इस सी की जगह पे क्या रखना है 14 रखना है। तो यहाँ पे आप 14 रख लीजिए। अब इसको हम लोग हल करते हैं तो ये पूरा रूट वैसे ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 18। फिर ये कोष्ठक 18 में से 10 घटेगा कितना आएगा 8 आ जाएगा, 18 में से 12 घटेगा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा और 18 में से 14 घटेगा ये 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कोष्ठक लगाए ना तो जब हम कोष्ठक हटाएंगे तो ये बीच में गूढ़ा होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हटाएंगे तो फिर गूढ़ा हो जाएगा, यहाँ पर हटाएंगे तो ये गूढ़ा हो जाएगा। तो देखिए जब भी त्रिभुज में तीनों भुजा की लंबाई दिया रहता है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा एक चीज़ कि यहाँ तक तो जो है ना सभी बच्चे लगा लेते हैं, इसके बाद गलती करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ तक तो सभी लोग कर लेते हैं, इसके बाद जो है सबसे महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब से जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसे आप ध्यान से समझिए। तो देखिए कैसा भी आपको त्रिभुज रहे, अगर त्रिभुज में तीनों भुजा की लंबाई दिया गया है तो जब भी आप उसको हल करेंगे हीरोन के सूत्र से तो इतना चार गो संख्या आएगा, 1 2 3 4, चार संख्या है कि नहीं। तो जब भी आप निकालेंगे तो चार संख्या आएगा, तो जब चार संख्या आएगा तो आप चारों संख्या का बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब भी आप इस तरह से करेंगे तो चार संख्या आएगा, तो आपको चारों संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे 18 है ना, तो हम लोग 18 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अब ये अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, जिसे आप लोग लॉसो लेना कहते हैं ना उसे ही अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो यहाँ पे 18 को इस तरह लिख लिया, अब इसको 2 से काटेंगे 2 9 18, 3 से काटेंगे 3 3 9, फिर 3 से कटेगा 3 1 3, यानी कि यहाँ पे देखिए इन सब का गुणा करेंगे 2 3 3, इन सब का गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा। देखिए 2 3 6 6 3 18, यानी कि इस 18 के जगह पे हम इनका गुणा करके लिख सकते हैं, तो ये बराबर हो गया। अब वैसे ही करिए, इस 18 के जगह पे लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3, मतलब इन्हीं सब का गुणा मैंने कर दिया। तो देखिए इन सब का गुणा करेंगे तो 18 तो आ ही जाएगा। अब ये 18 की जगह पर हमने इतना रख दिया, अब यहाँ पे गुणा है तो गुणा लिखिए। अब 8 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ पे 8 लिख लीजिए। तो 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, यानी कि 8 को हम लोग 2 का 3 बार गुणा करके लिख सकते हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, इतना हो गया। अब वैसे ही 6 का अभाज्य गुणनखंड करिए, तो यहाँ पे मैं 6 ले लेता हूँ, 2 3 6, 3 1 3, यानी कि 6 को 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा 2 गुणा 3, ठीक है। अब लास्ट में 4 बचा, तो 4 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 2 4, 2 1 2, तो 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, ठीक है। तो आई होप आप लोग इतना भी कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब इसके बाद हम लोग जोड़ा बनाते हैं। अब जोड़ा कैसे बनाते हैं, मतलब देखते हैं एक ही संख्या दो बार आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 2 यहाँ पे है, 1 2 यहाँ पे है, ठीक ना। तो 2 यहाँ पे 2 बार आया है, तो इसका 1 2 बाहर निकलेगा यहाँ पे, फिर आप गुणा लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 यहाँ पे आया है, 1 2 यहाँ पे, तो इन दोनों 2 में से 1 2 फिर बाहर निकल जाएगा, मतलब रूट से बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 एक बार है, यहाँ पर 2 एक बार है, तो यहाँ से भी 1 2 बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे 1 3 है, तो ये 2 बार 3 है ना, तो यहाँ से 1 3 बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 अकेले बचा, अगर इसके साथ में एक और 2 अगर कोई बच जाता तो 1 2 बाहर निकल जाता, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक रूल आपको समझ आ रहा है कि जिसका जोड़ा बन जाता है वो तो कड़ी से बाहर निकल जाता है, और जिसका जोड़ा नहीं बन पाता है वो कड़ी के अंदर ही रह जाता है, ठीक है। तो इस 2 का जोड़ा नहीं मिल पा रहा है, इस 3 का भी जोड़ा नहीं मिल पा रहा है, तो ये कड़ी के अंदर ही रह जाएगा, 2 गुणा 3, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इन सब का गुणा कर लीजिए, तो 2 2 4, 4 2 8, 8 3 का ये 24 हो गया, और यहाँ पे ये रूट के अंदर गुणा कर लेते हैं 2 3 6, तो इस तरीके से इसका क्षेत्रफल 24√6 आ गया। अब देखिए क्षेत्रफल जब भी हम निकालते हैं ना तो मात्रक के ऊपर 2 घात रहता है, यानी कि ये सब सेंटीमीटर में दिया है लंबाई, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सेंटीमीटर लिखेंगे और यहाँ पे 2 घात ऊपर लगा देंगे। ये 2 घात लगाना जरूरी है, अगर ये सब भुजा की लंबाई मीटर में रहता तो हम यहाँ पे मीटर लगा देते हैं फिर यहाँ पे 2 घात लगाते हैं। तो इस तरह से इसका क्षेत्रफल इतना आएगा और यही आंसर हो जाएगा। अभी आप लोग एक चीज़ और समझ लीजिए,
तो मैंने आपसे बताया था कि जब भी आप लोग इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे चार संख्या आएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ समझ लेते हैं थोड़ा अच्छे से। मान लेते हैं कि हमने त्रिभुज में जो होता है घटा करके हमने इतना ला दिया, मान लेते हैं यहाँ पे 10 आ गया गुणा 6 आ गया और 3 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया। मान लेते हैं घटा करके इतना चार संख्या आता है ना, हमने ये बीच वाला स्टेप उठा लिया है क्योंकि इसके बाद बच्चे गलती करते हैं, मैंने इसीलिए ये वाला स्टेप उठाया है। तो आप क्या करेंगे, जो मैंने रूल बताया था कि यहाँ पे जो संख्या इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 10 का अभाज्य गुणनखंड करिए तो 2 × 5 = 10, 5 × 5 यानी कि हम लोग इस 10 के जगह क्या लिखेंगे, 2 × 5 लिख देंगे, 2 × 5 यहाँ पे गुड़ा गुड़ा लिखिए। अब यहाँ पे 6 आ गया तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 × 3 = 6, 3 × 3 यानी कि 6 के जगह पे 2 × 3 लिख देंगे। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो देखिए 3 है तो 3 का अभाज्य गुणनखंड ये 3 ही रहेगा, तो ये हम 3 के जगह पे 3 ही लिखेंगे गुड़े। अब 5 है तो 5 का अभाज्य गुणनखंड 5 ही होगा, तो ये 5 लिखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इन ये 2 2 बार आया ना, तो 1 2 बाहर निकलेगा कड़ी से बाहर, फिर गुणा। अब यहाँ पे देखिए 3 1 बार यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो 3 2 बार आया ना, तो 1 3 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे 1 5, यहाँ पे 1 5, तो 5 2 बार, तो 1 5 यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। अब देखिए रूट के अंदर कुछ बचा ही नहीं, यानी कि जब रूट के अंदर कुछ भी नहीं बचता तो रूट गायब कर देते हैं बस। अब यहाँ पे 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30, तो इस तरह से क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 30 cm². तो बस मैंने यहाँ पे मेन चीज़ ये बताया है कि रूट में अगर कुछ भी नहीं बचता तो हम लोग यहाँ पे रूट को गायब कर देते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप लोगों को मैं यहाँ पे सवाल दे देता हूँ, तो आप लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस भुजा की लंबाई 8 cm है, इस भुजा की लंबाई 6 cm और इस भुजा की लंबाई 10 cm। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया है तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि उन्हें भी ये अच्छे से समझ आ जाएगा।